आज ठेलिया वाला ना आया भिंडी लेकर के। जानते हैं भिंडी में क्या हुआ? बहुत लेडीज, मतलब चार पांच ले रही थी लेडीज। अब भिंडी का तो पूरा ये लोग कचरा कर दी उलट पुलट के चुनने में। तो हम भी गए कि थोड़ा भिंडी हम भी ले लेते हैं, भाई बच्चे लोग को भुजिया बहुत पसंद है, भिंडी का भुजिया बनाएंगे। लेकिन आप मत समझ लीजिएगा कि हम भिंडी का भुजिया बनाने वाले, क्योंकि हमें उनसे तूतू मैमे हो गई। क्या हो गई? तूतू मैमे मजाक वाली हो गई। क्या हो गई भिंडी में तूतू मैमे? भाई यही हुआ कि बोली भिंडी का आखिर बना भी क्या सकते हैं, यही बना सकते हैं ना, बस भिंडी का हम भुजिया बनाए या तो भिंडी का सब्जी बनाए, दो ही चीज बनता है। हमने वहां पे बोला कि गलत, भिंडी से बहुत सारे चीज बनते हैं यहाँ पे। भिंडी का भुजिया बनते हैं, भिंडी का सब्जी बनते हैं, भिंडी फ्राई बनते हैं, दो प्याजा भिंडी बनते हैं, भिंडी का रायता बनते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? कैसे हमके आज क्या बनाने वाली है आप भिंडी से? बोले आज तो बनाएंगे हम मसाला भिंडी, जो कि काफी चटपटा और सबको पसंद आएगा। बोली एक बार बना करके दिखाइए और खिलाइए। बोले ठीक है हम बनाते हैं और आप चखिएगा जरूर। तो आप हर बार यही भिंडी का सब्जी बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इनको हम भिंडी को देख लेते हैं कैसे कट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मसाला भिंडी बनाने के लिए आज का मसाला कुछ स्पेशल हो, जो हम डेली घर में बनाते हैं ना सेम एकदम, ताकि एकदम नॉर्मल तरीके से आप लोग भी बनाए, एकदम घरेलू सब्जी बनाएंगे। बहुत लोग जो घर का ही सब्जी खोजते हैं, मतलब ज्यादा मसाला नहीं, ज्यादा तेल नहीं, तो बस सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे ये मसाला भिंडी। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए और आप लोग भी किसी से चैलेंज कर सकती हैं। तो ये भिंडी का रेसिपी देखिए और चैलेंज कीजिए हमारी रेसिपी पर। नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, देखिए एक भिंडी थोड़ा टाइट निकल गई, ये देखिए, ये देखिए रेशे वाली भिंडी है, देखने में कितनी खूबसूरत लग रहा है। इनको हम कर देंगे साइड, ये सही है। तो यहाँ पे हम भिंडी को इस तरह से करेंगे। और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसका वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर ये रेसिपी आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सारे भिंडी को हम इसी तरह से कट करेंगे, एकदम नॉर्मली कट करना है, जैसे हम लोग डेली रोजाना घर में कट करते हैं ना उसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे सबको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे सारे भिंडी को हम कट कर लिए हैं देखिए। और आप लोग बोलिएगा कि भिंडी मसाला तो सबको ही बनाते हैं मैम, लेकिन आज का मसाला खास है। आप लोग बनाती होंगे मार्केट से मसाला ला करके, आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला घर का मसाला से, जो कि हम डेली यूज करते हैं इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे हम सारे भिंडी काट लिए, अब बारी है मसाला के, कैसे करना है चलिए चुटकियों में करते हैं। अब हम करेंगे गैस को ऑन, गैस ऑन करके हम यहाँ पे ले लेंगे कढ़ाई में भी टिप्स है, ये डेली यूज का कढ़ाई। अब डेली यूज के कढ़ाई में एक बार सब्जी बना करके देखिए क्या लगते हैं यार। डेली तो हम लोग वीडियो के लिए नॉन स्टिक पैन सब चीज यूज करते हैं, कभी कभी इनमें भी बनाया कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो सबसे पहले इनमें हम क्या लेने वाले हैं, तो सबसे पहले लेंगे ये एक छोटा चम्मच साबुत धनिया और एक छोटा चम्मच, मतलब सॉरी एक छोटा चम्मच नहीं, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। और यहाँ पे लेंगे आधी छोटी चम्मच पीली वाली सरसों, आधी छोटी चम्मच हम लेंगे यहाँ पे काली वाली सरसों, और अब गई यहाँ पे आधी छोटी चम्मच से कम है थोड़ा, मतलब कि 20-25 काली मिर्च। काली मिर्च से सब्जी में स्वाद आते हैं और खाना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा। यहाँ चुटकी भर लेंगे हम 100, और इसी में हम ले लेंगे चार सूखा लाल मिर्च, ये ज्यादा तीखा नहीं होते हैं। अब क्या करना है कि इनको जलाना नहीं है, हल्के से रोस्ट करना है, बस एकदम मीडियम गैस पे रोस्ट कर लेते हैं इनको। अब सारे मसाला तो हम दिखा दिए आपको फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार मेरी तरह से बनाइएगा, आपके पूरे फैमिली वाह वाह करेंगे, उंगलियां चाटते न रह गए ना, अब मेरा नाम लेने पर आप मजबूर हो जाइएगा। तो यहाँ पे भून रहे हैं, पर इसी बात पे आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। प्लीज हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, यही रेसिपी अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। यहाँ पे इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इनको रोस्ट तो कर ही लिए हैं, अब हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या रोस्ट करेंगे। यहाँ पे 8 से 10 लहसुन के कलियां लिए हैं, साथ में इनको भी ले लेंगे और साथ में 1 इंच अदरक को भी ले लिए हैं, इनको भी ले लेंगे। और गैस कर दिए हैं ऑफ, बस इन्हीं के साथ में हमें रोस्ट करना है। अब हम क्या करेंगे कि सब मसाला को निकाल लिए हैं और आप ध्यान से देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल नहीं जला है,
बस गर्म किए हैं कि इनका मॉइस्चर जो है खत्म हो जाए थोड़ा सा और थोड़ी सौंधीपन आ जाए। सबको हम ले लेते हैं। इस मसाला में हम लेंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और इसी में लेंगे हम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर टर्मरिक होते हैं जो सेहत के लिए भी अच्छे हैं और कलर भी होते हैं, तो यहाँ हम ले लिए। बस चलिए इनको क्या करना है देख लेते हैं। हम फिर से गैस ऑन करके ले लिए हैं कढ़ाई को। कढ़ाई में हम लेंगे करीब 2 चम्मच तेल, 2 से 3 चम्मच तेल आप ले सकते हैं, तो 2 चम्मच लिए हैं हम, यहाँ पे 3 चम्मच ले लिए हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। अब इसमें लेंगे हम 5 फोरन। तो 5 फोरन का रेसिपी हम बहुत बार बताएं आप लोग को, हम घर में ही बनाते हैं, तो इनको हम ले लेते हैं। इनको थोड़ा सा तरकने देते हैं सारे, मतलब यहाँ पे 5 फोरन तरकने लगे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 से 2.5 हरी मिर्च जो इनमें हल्का सा लेंगे, रोस्ट करेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे कि भिंडी को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे भिंडी हम ले रहे हैं, भिंडी को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और जब तक भिंडी फ्राई हो रहे हैं हम मसाला देख लेते हैं। तो मसाला यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गए हैं, तो आप चाहें तो इन्हें खलबट्टा में आप कूट सकते हैं। हम थोड़ा सा मिक्सी में घुमाएंगे क्योंकि अदरक जो है ना, अदरक लिए ना इसीलिए, तो इनमें हम ले लेते हैं। इनको हल्का सा पल्स मोड पर चलाएंगे, बारीक नहीं पीसना है हमको, तो चलिए यहाँ पे इनको हम चला लेते हैं। मसाला को देखिए हम किस तरह से दरदरा किए हैं, जैसे दिखने में लग रहा है ना कि खलबट्टे में हम इनको फूटे हैं, तो देखिए कितना बढ़िया से हमारा मसाला बन गया। तो इसी तरह से मसाला भिंडी के लिए आपको मसाला तैयार करना होगा एकदम सिंपल तरीके से और जल्दी बनने वाला आसान तरीके से। सारा मसाला को ले लिए हैं, तो अब भिंडी को देख लेते हैं मसाला निकालने के बाद। तो भिंडी हमें क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा लाल करना है, एकदम फ्राई करना है। तो देखिए ये भिंडी भाई साहब को ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जब तेल थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच दीजिएगा ना, ये खुद ही सॉफ्ट होने लगते हैं और लाल होने लगते हैं। तो देखिए कहीं कहीं पे भिंडी ये देखिए लाल होने लगे हैं, देख रहे हैं। तो इसी तरह से हमें भिंडी को थोड़ा लाल करना है। देख रहे हैं कितना बढ़िया से हमारी भिंडी एकदम लाल हो गई है, देख रहे हैं एकदम कम तेल में। और अब बारी है मसाला की, मसाला के बारी में अब हम ले लेते हैं मसाला, जो मसाला तैयार करके दिखाए थे ना आप लोगों को। तो देखिए हमारा मसाला, इसी में लेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। सबको चला लेते हैं अच्छे से, ध्यान रहे आप लोग एकदम देखिए ध्यान से यहाँ पे वीडियो को कैसे बना रही है मीना मैम, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ये देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है इनको, बस ढक के बीच बीच में चलाते रहिएगा, ढक के छोड़ मत दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं। अगर आप चाहे तो पानी वाला भिंडी बनाना चाहे ना तो बताएंगे कि पानी कहाँ लेना है, और सूखी भिंडी चाहिए तो वो भी बताएंगे थोड़ी देर में कि कब सूखी भिंडी बनाना है। 5 मिनट बाद हम देख लेते हैं, बीच बीच में हम चलाए हैं, आप लोग भी चलाते रहिएगा। तो देखिए हमारा भिंडी ये मसाला भिंडी कितना बढ़िया से बनकर तैयार हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे 1 से 1.5 कप पानी ले सकते हैं, हम बिना पानी के बना रहे हैं। कितना बढ़िया से रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ बाकी है इनमें। क्या बाकी है, आपको पसंद हो तो गरम मसाला ले सकते हैं, यहाँ बच्चों का पसंद है भाई, बच्चों के ज्यादा टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला ले लिए है, सबको हम मिला देते हैं। अब इनमें कोई मसाला की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से बने हुए हैं हमारा मसाला भिंडी। गैस को कर देते हैं ऑफ, और सर्व कैसे करना है आइए देख लेते हैं। तो अब भिंडी को हम सर्व करते हैं, तो बस एक प्लेट ले लिए हैं, आप किसी भी बर्तन में सर्व कर लीजिएगा। देखिए सारे भिंडी एकदम खिले खिले हैं, देख रहे हैं बिना पानी डाले। अगर आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, फिर से हम आप लोगों को बता दूं पानी डालने से क्या होगा, फिर भी नहीं ये चिपचिपी होंगी। पानी डालिएगा, इस तरह से बनाइएगा ना, आपका भिंडी खिले खिले ही रहेंगे। तो यहाँ पे भिंडी को हम सर्व कर लिए हैं, और यहाँ पे थोड़ी हरी धनिया से इन्हें गार्निशिंग कर दे। कहाँ जा रहे हैं अब फ्रेंड्स, अरे रुकिए अभी अभी बाकी है अभी। तो ये देखिए यहाँ पे 4 रोटी ले लिए, आप चाहे तो इनमें घी लगा सकते हैं, हमारे बच्चे को घी पसंद नहीं है। ये देखिए तरोई और चना दाल का सब्जी है, और यहाँ पे हम कुछ आम कट करके ले लिए, भाई आम का सीजन है तो आम क्यों ना ले। तो देखिए आम है, और यहाँ पे हम इसके साथ भिंडी सर्व कर रहे हैं, मसाला भिंडी सर्व कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अभी और भी कुछ बाकी है, जाइए मत, देख लीजिए पूरा प्लेट कैसे सरियाना है। यहाँ पे गई है देखिए चटपटी सी, एकदम खट्टी खट्टी और मीठी मीठी, ये गई आम की चटनी। वाओ क्या लग रहा है ना फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से अगर सरियाइएगा तो किसका पसंद, मतलब किस बच्चे को पसंद नहीं आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ये नाश्ता कहिए, खाना कहिए, डिनर कहिए, जो भी कहिए, एक साथ में इतना सारा एक बार में काम आपका होने वाला है। और ये जो भिंडी का हम प्लेटिंग किए ना, देखिए कितना बढ़िया है, तो है ना घर का खाना, घर का स्वाद इतना टेस्टी आपको मिलेगा मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आज की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स,
आप इस तरह से बनाइएगा, कैसी नहीं लगी, आप इस तरह से बनाइएगा तो पूरा अच्छा लगेगी, इतना बढ़िया। बाद में मत कहिएगा मीना मैम बताई नहीं, हम तो बता दिए आप बनाए नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।